हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दी। उन्नाव में एक महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। महके पक्ष के लोगों ने पति और ससुराल के लोगों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं इस दौरान हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तब कहीं जाकर महके पक्ष के लोगों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं इस पूरे हंगामे के दौरान कई लोग जाम में फंसे रहे। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के रमदई खेड़ा मोहल्ले के रहने वाले उदय भान अवस्थी की बेटी प्रियंका की शादी साल 2017 में सिविल लाइन मोहल्ले के रहने वाले सौरभ के साथ हुई थी। उदय भान अवस्थी का आरोप है कि शुक्रवार को वो बेटी को लेने उसके ससुराल गए तो ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मायके नहीं भेजा। इसके बाद दोपहर में उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी की हालत नाजुक है और उसका इलाज उन्नाव मेडिकल सेंटर में चल रहा है। इसके बाद जब वहां पहुंचे तो बेटी प्रियंका की मौत हो गई, जिसके बाद पिता उदय भान और अन्य परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। मायके पक्ष के लोगों ने शव को सड़क पर रख उन्नाव हरदोई मार्ग को जाम कर दिया और ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पिता उदय भान ने बताया कि ससुर सुशील, सास पुष्पा और दामाद सौरभ ने दहेज के लिए उनकी बेटी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है। पिता के आरोप के आधार पर पुलिस ने तहरीर दर्ज कर ससुराल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी मायके पक्ष वालों ने सड़क से जाम नहीं हटाया। मायके पक्ष के लोगों की मांग थी कि प्रियंका के दोनों बेटों के नाम ससुराल के लोग 25-25 लाख रुपए जमा कराएं। वहीं उनकी मांग थी कि उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। पुलिस मायके पक्ष के लोगों को शांत कराने में जुटी रही, लेकिन हंगामा कर रहे लोग रोड से उठने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं रोड जाम की खबर मिलते ही सीओ सिटी आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद ही उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। इसके बाद परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि महिला की मौत की वजह क्या है, इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज़, यूपी। ये बताओ आप क्या चाहती हो? इनके नाम होना चाहिए, इनके नाम होनी चाहिए, बच्चों के नाम आप बात समझो। जब कार्रवाई हो रही है तो वो सब करेंगे जो आप चाहते हो।